कतर में 8 हिंदुस्तानियों की को लेकर मौत की सजा के फैसले में आपको बड़ी खबर बता दें। कतर में 8 हिंदुस्तानियों को मौत की सजा के मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मांग की है हिंदुस्तानियों को वापस लाएं पीएम मोदी। तो यहां पर यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कतर में 8 हिंदुस्तानियों को मौत की सजा का ऐलान किया गया है। इस मामले को लेकर AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर पीएम मोदी से मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तानियों को वापस लाएं पीएम मोदी। तो कतर में 8 हिंदुस्तानियों को मौत की सजा का ऐलान किया गया है। ऐसे में इसको लेकर मुल्क भर में रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी कहा गया है कि कतर से बातचीत की जाएगी, कानूनी रास्ते यहां पर तलाशे जा रहे हैं और कतर के सामने पूरा मामला रखा जाएगा। तो इसी मामले को लेकर AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से मांग की है कि हिंदुस्तानियों को वापस वतन लेकर आया जाए।